में प्रारंभ शुरू मान लीजिए आप एक एक्टर के कार्टून बनाने लगे तो अगला भारत तमिलनाडु मानिए भारत दुखने बनने जा रहे हैं ना एक लेक्चर क्या सोचिए ट्रस्टी है तो इस तरह हमें बनाने लगे तो मुझे बड़ा दुख होता था इतना पावरफुल मीडियम है मैं कई जगह भारत में लेक्चर दे रहा था मेरा दूसरा लेक्चर था भाभा अकाउंटिंग मुंबई इनवाइट आ गई हर टॉपिक पे तो टॉपिक पढ़ते गए लेकिन इंडिया में कोई मानने को तैयार नहीं निकल रहा था तो एक चीज आपको बेसिकली समझ ले लिया दुर्भाग्य है हमारा कि हमें इंडिया में रिकॉग्नाइज होने के लिए अमेरिका यूरोप का पहले रिकॉग्नाइज हो सकता है तो मैंने अमेरिकन कैंसर सोसाइटी को एक ऐसे कार्टून मुझे किसी एक दो कार्टून छापने लगे फिर इंटरनेशनल बायोकेमिस्ट्री ब्लैक इंटरनेशनल केमिस्ट्री सोडियम डब्लू को गुण एक बहुत लंबी लिस्ट है इन सब ने एक साथ में ये माना कि ये साइंटिफिक एक नया तरीका है साइंस को आम आदमी तक पहुँचाना आम आदमी कौन है अगर मेरे लेक्चर में एक बायोलॉजिस्ट है केमिस्ट्री के लेक्चर में तो वो एक तरह से आम आदमी हो गया और अगर केमिस्ट के लेक्चर में फिजिक्स वाला है तो वो भी आम आदमी ये बेसिक कंसेप्ट था अब एक साल के अंदर जो नोबेल प्राइज होते थे उसमें एक मैंने पेपर भेजा हर एक आदमी ने हंसी उड़ाई कि नोबेल प्राइज वालों के पास कोई काम नहीं किया दोबारा प्रेजेंटी में ये साइंटिफिक रिपोर्ट पब्लिश करेंगे लेकिन ये कभी ग्रास छोटी सेकेंडरी जो नोबेल प्राइज जीती है केमिस्ट्री में इन्होंने क्या किया मेरा पेपर एक्सेप्ट किया और मैंने ये प्रपोज किया था कि केमिस्ट्री के रूल्स को साइंटिफिक से आप कैसे समझा तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो साइंटिफिक था ये छपा और ये 32nd इंटरनेशनल यूरोप अध्ययन लगाई केमिस्ट्री बोर्ड कांग्रेस की जो स्टाफ रूम सेवन में हुई थी और इसमें एस पी डी एफ रूल एक फूल फूल आपको सुना होगा एटम आपको याद है एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड सर्कल पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं जो रास्ता है ऑर्बिटल कहलाता है ऑर्बिटल क्या है एस पी डी एफ एस में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तीन में छः तीन में सात में चौदह तो अब यहाँ पर अगर ये ऑर्बिटल की हम बात करें उसमें चार इलेक्ट्रॉन हैं कहता नहीं कि पहले दो चले गए दूसरे दो चले गए तीसरा खाली है नहीं एक नियम है पहले एक एक जाएगा तो करने दूसरा आगे जैसे अगर सबसे समूसा यहाँ बांटता हो तो ये थोड़ी है लड़कों को दो दो देंगे लड़कों को एक एक दवा हो जाएगा खाना पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं थे ताना तो हमेशा कहता है एक एक लेना है सबको उसके बाद करने दूसरा अब यहाँ पर एक लेक्चर साहब आपकी वाइफ के साथ और वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ है कि डबल रूम का अलॉटमेंट इस होटल में रूम सूट पर आधारित है यानी रूम्स विल नॉट बी डबल इन देयर ऑक्यूपाइड सेंट्रली फर्स्ट तो एक कमरे में प्रोफेसर साहब जाएंगे दूसरे में मैडम जाएंगे तो डबल रूम में कहीं मैडम का तेजा अक्सर दिखता होगा और इस तरह से क्या हुआ कि ये जब कार्टून छपा वहाँ पे तो पूरी दुनिया से मेरे पास लेकर आए शायद मैं कुछ भी भूल सकता हूँ लेकिन लाइफ में भूल सुन जमीन में भूलेगा अब मैंने इसकी एक वेबसाइट बनाई www.sun.com और उसका उद्घाटन किया आयु बैंक के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर डेविड ब्लैक वो लखनऊ आए हुए थे प्रकार से कॉन्फ्रेंस में तो मैंने इसका उद्घाटन कराया मुझे 2006 में एक ऐसे व्यक्ति से मिलना का मौका मिला जिनको आप सब जानते हैं बहुत अच्छे तरह से और मुझे याद है जब इंडियन साइंस कॉमर्स बोर्ड में लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं मीडिया यहाँ का देख रहा था उसमें डॉक्टर कलाम साहब राष्ट्रपति मिलने वो आए थे वहाँ पर लेक्चर देने के लिए यहाँ पर वो राष्ट्रपति थे और जब मैं इनसे मिला तो राष्ट्रपति भवन में मैंने सोचा इसको बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा तो लेक्चर के बाद 30 सेकंड में सबसे फिल्म में मिल जाएगी मैंने जिनको कार्टून बना के देखा जो मेरा सबसे पॉपुलर कार्टून का दूध दुनिया में तो कलाम साहब एक रहे थे मुझे कितना टाइम लगाया था और वो बात ये 42 सेकंड में यू फिनिश करता है तो आप क्या करते हो कार्टून को मैं नेक्स्ट मशीन का इस्तेमाल बैठे देने का करता हूँ तो कलाम साहब ने कहा भाई फिल्म से जो लेक्चर नैनो टेक्नोलॉजी और उस तरह से कलाम साहब की वजह से एक और एरिया जुड़ा नैनो टेक्नोलॉजी और इस समय 32 विषय हैं जिस पर मैं पूरी दुनिया में लेक्चर देता हूँ ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका यूरोप अमेरिका और एशिया अब जब मैं बहुत सारे सब्जेक्ट पर लेक्चर देने लगा और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक दिन आता था जहाँ की मास्टर करने का हाथ और जब मैंने 600 लेक्चर दुनिया भर में देख लिए तो मैंने देखा कि हमें एक नई साइंस बना दिया था कुछ लोगों से बात करी जाहिर सी बात है वस्त्र का बात करोगे दो चार लोग मैंने क्या बन रहा था लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं हाँ बढ़िया है तो मैंने ये साउथ अफ्रीका में कॉन्फ्रेंस करोगे पूरे एडवेंट में जगह जैसा हमारा हुआ और ये
अपनी तो साइंस कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट हो रही थी, मैंने पहली बार यहाँ पे इसको एक साइंस एनहांस को असाइन टू बुक्स और ये पूरी एक्सेप्ट हुई। और आज मुझे बड़े खुशी है कि एमएससी के सिलेबस में, बीएड के सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है, हमारे देश के अलावा ये ब्राज़ील में पढ़ाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूरोप में कहीं जगह आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट लखनऊ से शुरू होता है और उसके पीछे कितनी दिक्कतें आती हैं, ऐसा नहीं है जो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ उसके पीछे बहुत सारे आंसू हैं, बहुत सारी मेहनत है। कई बार ऐसा होता है 40-40-30 फ्लाइट लेके कहीं पहुँचते थे, एक कप चाय भी जाती थी या कॉफी, और एक घंटे सीधे आपको बोलिए अब आप सोचो आप 40 घंटे से ट्रेवल कर रहे हैं इंडिया से और आपके पास ना नहाने का टाइम लगे, क्योंकि वहाँ पर एक हजार लोग आपको सुनना चाहते हैं, जो लोग वो आपका अपना दोस्त देना है। अभी मेरी किताब लॉन्च हुई है पिछले महीने और आज बराबर यहाँ पे आई थी, उन्होंने लॉन्च किया है। ये कोरोना पे है कि कोरोना पे जैसे आम आपकी कौन जानकारी सारी की, जिसका नाम भाई भाई कोरोना 220 पेज की किताब है और ये भारत सरकार ने छापा इसको गुजरात के सामने। ये जो फोटो है तब जो फोटो न्यूज हुई थी यहाँ पे गवर्नर साहबान मनोजीबेन पटेल थी। और इसके पहले मैं आपको कुछ कोरोना पर साइंटिंग मैं आपको थोड़ी सी और साइंटिंग दिखाना चाहता हूँ, वर्ल्ड में बहुत फेमस हो गए हैं साइंटिंग। आपको पता है जंगल बड़ी तेजी से कट रहे हैं, आपके पेड़ कटते तो देखा होगा हाथ से जो जेसीबी से उखाड़ देते हैं, लेकिन मैं अमेजोन के जंगल में जब ब्राज़ील गया तो वहाँ उनके पास अलग सी मशीनें हैं पेड़ काटने की, तो पेड़ उखाड़ते हैं और 3 मिनट में पेड़ वो उसकी पूरी पूरी होकर उसके विकसित बन के कटती है। बोला वहाँ बहुत बहुत माफिया है लकड़ी की, जो अपनी लकड़ी अमेरिका और यूरोप में बेचते हैं, तो इस तरह से जंगल कट रहे हैं। हाँ दूर नहीं जाइए, आप लखनऊ की बात करिए, कपूरथला 1980 के पुराने लोग हैं, वहाँ पे आम की और अमरूद की बाग हुआ करती थी, एक पेड़ नहीं था, लेकिन आज कपूरथला में सिर्फ बिल्डिंगे हैं, पेड़ एक आध ढूंढने से आपको मिल जाएगा। ये फर्क हुआ है जैसे लखनऊ बढ़ता जा रहा है बिल्कुल। तो जिस तरह से जंगल कट रहे हैं आने वाले टाइम के क्या हालत होगी, वही जो कार्टून है ये जिम्मेदारी अमेरिका में दिखाया गया और सारे टीवी चैनल को भारत में दिखाया गया, और इस कार्टून में हमारे यहाँ पे आपको पता है तुलसी की पूजा करते हैं भारत में तुलसी, और एक उसका रीजन क्या साइंटिफिक रीजन है कि वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होता है, हार्ट से लेकर जितनी बीमारियाँ आप सोच सकते हो, और कोरोना में आपको पता ही है कि उसका काढ़ा कितना इंपॉर्टेंट हम सबके लिए हुआ। तो तुलसी के लिए पूजा करते हैं और कैसे पूजा होती है आप देखो ना, जब चढ़ाती है महिला घर के सामने तुलसी का पेड़ होता है, लेकिन ये 2020 में आपको 3020 के लिए चलते 3020 का डॉक्टर यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे हैं, जो बेटी हैं जिनकी दादी की दादी की दादी की दादी की दादी के जो है वो लखनऊ बस्ती के पीछे का एरिया था, वहाँ रहती थी खबरा में, और उस समय उनके पास असली तुलसी का पौधा होता था 1000 साल पहले, और 24 मेगापिक्सल का डिस्टेंस कैमरा भी था जिसको फोटो खींच के लैमिनेट करा के दस्तियत को छोड़ने की प्रॉपर से। तो हालत में होगी क्या एक दिन नहीं आ जाएगा भले ना, लेकिन जो आपको कहीं से कार्टून बुलाता है तो हम जा पा रहे हैं। अमेजोन में मैं ब्राज़ील के कार्टूनिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ कि अमेजोन को जंगल कैसे बचाए, मैं आपको पता है दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट अमेजोन के जंगल, और इसमें हम लोग डिजाइन कर रहे हैं साइंटिंग के यहाँ पे फिर 3020 का मामला समझ लीजिए आप, 1000 साल बच्चे आज के फोटो देखेंगे और फोटो आज 1000 साल बाद लोग देखें तो वो तो समझ में आ जाए।